रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतें और बरकतें नवाजो और मुसीबत से महफूज रखे। A1 पकवान चैनल की तरफ से मैं आपकी लाई हूँ चिकन शवारमा, जो बहुत टेस्टी और मज़ेदार है और बनाने में बहुत आसान है। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बेल आइकॉन को भी ज़रूर आप दबा दें। तो चलें हम आज की रेसिपी को शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो चिकन शवारमा में हम पहले वीटा ब्रेड बनाएंगे, इसके लिए मैंने ये हाफ के जी मैदा लिया। एक चम्मच इसके अंदर हम ये ईस्ट डाल देंगे, एक चम्मच नमक, दो चम्मच चीनी डाल देंगे इसके अंदर। दूध के नीम गर्म दूध के साथ हम इसको भून लेंगे। एक कप मैंने दूध लिया, जितनी आपको ज़रूरत पड़े आप उसी हिसाब से दूध ले लीजिएगा। गर्म लेना अपने दूध, नीम गर्म बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो। मिनट भूनने के बाद इसकी बेल कर दीजिए। अब हम इसको ऑयल डाल देंगे दो चम्मच, तो इसको अच्छी तरह 10 मिनट तक भून लेंगे मलमल से। देखिए आटा हमारा कितना सॉफ्ट हो गया, तो मुझे 10 से 12 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। तो ये देखिए आटे को भी मुझे करा, तो अब हम इसको रख देंगे घंटे के लिए। ये मैंने एक ऑयल लिया है, इसको ऑयल लगा लिया। अब इसमें उंगला ढाल के इसको रख देंगे। और ऊपर इसके हम थोड़ा सा ऑयल लगा रहे हैं। चलें जी, ये देखें हमारा जो ब्रेड बनाने के लिए तैयार हो गया है। देखें कितना सॉफ्ट। तो अब हम इसको निकाल के इसकी ब्रेड बनाएंगे। हम इस तरह इसकी जो हवा है अंदर से इस तरह निकाल लेंगे दबा के। चले, हमने मैदे को इस पर डस्ट कर लिया बेलने पे, तो अब हम इसकी छोटी छोटी ब्रेड बना लेंगे। हम इसको दो हिस्से में इस तरह डिवाइड कर लेंगे। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे छोटे छोटे। देखिए हम इसके इस तरह पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे। सारे पेड़े बना लिए, अब हम इनमें से एक पेड़ा लेंगे और दूसरों को हम ना ढाँप के रख देंगे। बीटा ब्रेड मैंने मैदे को इस पर डस्ट कर दी। अब हम इस तरह इसको बेल लेंगे। सारी रोटियों को हमने इसी तरह बेलना। अब हमने एक रोटी को बेल ली है, ये इतनी मोटी होनी चाहिए। अब इसी तरह ही हम सारी रोटियों को बेल लेंगे। चलें जी, अब हमने अपनी सारी रोटियों को बेल लिया है, अब हम इसको पकाते हैं। ये इसके ऊपर मैंने इसी तरह ना सारी रोटियां रखी थी एक दूसरे के ऊपर, ये देखें। तो चलें अब हम इसको पकाते हैं। तवे को आपने बस हल्का सा ही गर्म करना है और फिर हमने इसके ऊपर रख देना है ये बीटा ब्रेड को डाल देना है। और आंच आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, बिल्कुल स्लो ही रखनी है, मीडियम। ये देखिए हमारी जो ब्रेड है ये फूलना शुरू हो गई है।
चले अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। हल्का सा इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, ज़्यादा नहीं लगाना, बस थोड़ा सा ब्रश की मदद से इस तरह हम इसके ऊपर कर देंगे। चलें जी, ये हमारी बीटा ब्रेड तैयार हो गई है। ये देखें कितनी सॉफ्ट बनी। तो अब हम अपने चिकन को जो है बना लेते, फ्राई कर लेते हैं। अब जो हमने शवारमे में चिकन वगैरह वो लगाना है, इसको हम पहले मैरिनेट कर लेंगे। ये मैंने हाफ के जी चिकन लिया, बोनलेस चिकन है, छोटे छोटे पीस करवा लिए हैं। अब इसमें हम जो मसाले डालते हैं, सबसे पहले ये मैंने 3 चम्मच दही के डाले, हाफ चम्मच ये रेड मैंने मिर्च ली है पीसी हुई, हाफ चम्मच ये हल्दी है, 1 चम्मच नमक, चम्मच ये ब्लैक मिर्च है पीसी हुई, पीसा ये धनिया मैंने लिया है पाउडर खुश, चलो हाफ चम्मच ये पीसी हुई रेड मिर्च है, 2 चम्मच सोया सॉस, 2 ही चम्मच वाइट सिरका, 1 चम्मच हम लहसुन और अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये 1 लीमू मैंने लिया, ये इसके अंदर हम निचोड़ देंगे। अब अच्छे से हम इसको मिक्स करके तो 20 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। हमारा जो चिकन है ये मैरिनेट हो गया, अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। चलें जी, जितनी तक ये फ्राई होता है उतनी देर तक हम अपना जो है शवारमे के लिए सैलड तैयार कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, जो शवारमा हमने बनाना है उसके लिए जो सैलड चाहिए, प्याज मैंने ये बारीक कटिंग कर ली है, खीरे को ये इस तरह मैंने रफली कटिंग कर ली है, बंद गोभी भी मैंने बारीक कटिंग कर ली है, और ये पुदीना थोड़ा सा मैंने लिया है। तो अब हम इनको ना रख देते हैं, नमक लगाते हैं। चलिए, इन सबको हम मिक्स कर लेंगे और नमक लगा के रख देंगे जितनी देर तक हमारा जो चिकन है फ्राई होता है उतनी देर तक हम इसको नमक लगाएंगे। और इसके बाद हम अपनी जो है टैनी सॉस वो तैयार कर लेंगे शवारमे के लिए। चलें जी, इसको अब हमने नमक लगा दिया, अब इसको हम साइड पे कर देंगे। अब हम टैनी सॉस तैयार, ये मैंने तिल ली है 1.5 चम्मच और ये कुछ लहसुन की कलियाँ, लहसुन की कलियाँ और वाइट तिल मैंने डाल दिए हैं इसके। अब हम मैं इसमें ना दही डाल दूँगी, तकरीबन है 3 चम्मच, और इस तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। टैनी सॉस के लिए ये मायोनीज ली है मैंने, तिल और दही का जो पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब हम इसको मिक्स कर देंगे।
ये ऑलिव ऑयल डालेंगे इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो ये हमारी टैन सॉस तैयार होगी। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड कर देंगे तकरीबन 2 चुटकी के करीब। अब हम अपने चिकन को देखते हैं। चलें जी, चिकन भी हमारा तैयार हो गया है, तो अब हम इसके छोटे छोटे से पीस कर लेते हैं। की मदद से इस तरह इसके ब्रीक ब्रीक पीस बना लेंगे। ये देखें, मैंने सारे पीस बना लिए। अब हम इसमें 2 चम्मच जो है क्रीम के ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से हमने क्रीम को मिक्स कर दिया। अब हम इसको उतार देंगे और अपना जो है शवारमा तैयार करते हैं जी। अब ये हमने एक पेपर लिया है वो शवारमे वाला, और इस पर अब हमने अपनी बीटा ब्रेड रख दी। अब हम इस पर टैन सॉस लगाएंगे। चलें जी, अब इस पे थोड़ा सा हम सैलेड रख देंगे इस तरह। और जो चिकन हमने मैरिनेट किया था ये वो पे चिली सॉस डाल देंगे। और इसके ऊपर फिर थोड़ा सा सैलेड को गार्निश कर देंगे। टैनी सॉस फिर इसके ऊपर डाल देंगे। अब दोनों हाथों की मदद से हमें इस तरह पकड़ के इसको इस तरह चलेंगे। अब हम इसको इस तरह लपेट देंगे। और पीछे से इस तरह इसको करके ऐसे कर दीजिए। चलें, अब हम दूसरा भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। इसी तरह करके हम सारे अपने जो है शवारमे तैयार कर लेंगे। ये देखिए, दूसरा भी शवारमा हमारा तैयार हो गया। ये है हमारे चिकन शवारमे की फाइनल लुक। अगर आपको ये तरीका मेरा पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।